फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है इस नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके 9 महीने की प्रेगनेंसी की प्लानिंग के बारे में, यानी कि अब आपको 9 महीने की पूरी प्लानिंग करनी है कि आप ये 9 महीने कैसे निकालने वाले और कैसे खुशी खुशी आप इसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारी खुशियां आप इसमें जोड़ सकते हैं और कैसे आप इन प्रेगनेंसी की यादों को सहेज सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे ये बात नहीं करने जा रहे हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन से टेस्ट करवाने हैं। ये बहुत कॉमन है और हम आगे के वीडियो में इनसे जरूर बात करेंगे इनके बारे में भी, क्योंकि एक स्वस्थ प्रेगनेंसी के लिए सही समय पर सही टेस्ट और सही डॉक्टर की एडवाइस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आज हम इस वीडियो में कुछ और ही बात करने जा रहे हैं। प्रेगनेंसी एक लाइफ टाइम इवेंट है, जिंदगी में सिर्फ एक या दो बार होता है। तो हम ये आपको हमारे मन की बात आपसे शेयर करेंगे कि इन 9 महीनों को आप एक अच्छे एल्बम के तरह, एक फोटोशूट के साथ इसको आप सहेज कर रखें, जिसमें आप शुरू करें अपने प्री प्रेगनेंसी फोटो से, फिर उसके बाद में आपका फर्स्ट महीने का अच्छा सा आपका एक फोटोशूट हो जिसमें आपके 4-5 आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ आप उसमें शूट करवा सकती हैं और आप उन पलों को सहेज सकती हैं। इस तरीके से आप हर महीने 2-4 फोटोग्राफ्स आप एक एल्बम में जोड़ती जाएं, फिर आप जब भी आप कभी उस एल्बम को देखेंगी तो आपको याद रहेगा कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कैसा था, फिर सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हम कैसे दिख रहे थे, थर्ड मंथ में हमारे क्या इमोशंस थे, फोर्थ मंथ में हमने क्या फील किया और फिफ्थ मंथ में जाके हमारा बेबी बम कुछ दिखने लगा था और कुछ मदरली फीलिंग हमारे को आने लगी थी। और आप याद करेंगे कि फिफ्थ मंथ में आपको थोड़ा थोड़ा बेबी की मूवमेंट फील होने लगती है, वो एक्साइटमेंट और वो फीलिंग बहुत बहुत अलग होती है। बिलीव मी, जब आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज काइंड ऑफ द फीलिंग इट इज। 7वें-8वें महीने में जब आपका बेबी बम बहुत अच्छे से फ्लरिश होने लगता है, तब आप एक बहुत अच्छा मॉडल फोटोशूट करवा सकती हैं, जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छी अच्छी पिक्स तैयार करवा सकती हैं। उसमें हम आपके बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। वी हैव अ प्रोफेशनल वीडियो फोटोग्राफर्स एंड शूटर्स जो आपकी बहुत अच्छे तरीके से यादें संजो कर एक बहुत सुंदर एल्बम में आपको बनाकर देंगे, जिसे आप लाइफ लॉन्ग अपने साथ सहेज कर रखेंगी और ये 9 महीने की जर्नी आपको बहुत 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 सुकून देगी। इसमें कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी शूट किए जाएंगे, जिसमें कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही होंगी, अपने पार्टनर के साथ आप शेयर कर रही होंगी और कुछ आप जो उसमें एक्सरसाइजेस आप कर रही हैं साथ में अपने को हेल्दी रखने के लिए, वो भी आप पोस्टर्स उसमें शूट कर सकती है, जिससे कि आप आगे भी इन चीजों को याद रख सकें कि आपने ये 9 महीने कैसे निकाले हैं। इन 9 महीनों में खुश रहने के लिए फोटोशूट के साथ में आपको कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन और कुछ अच्छा स्पिरिचुअल म्यूजिक भी बहुत जरूरी होता है, ताकि आप दिमागी रूप से बहुत खुश रह सके और अपने बच्चे को वो ही खुशियां और वो ही वाइब्रेशन आप अपने बच्चे तक पहुंचा सके। तो आप एक अपने घर के अंदर अच्छे अच्छे खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पिक्स लगाइए, अच्छा म्यूजिक चला के रखिए, कुछ देर योगा कीजिए, कुछ देर मेडिटेशन कीजिए और अच्छी बुक्स पढ़िए। गर्भ संस्कार जैसा डिवाइन म्यूजिक आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि 4th-5th मंथ के बाद बच्चा सुनने लगता है, महसूस करने लगता है, फील करने लगता है और वो किक मूवमेंट्स और कई तरीके के रोलिंग मूवमेंट्स पेट में शुरू कर देता है। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा कॉशियस रहिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए अपने आप के खुश रहने पर, अपने आसपास के माहौल पर और किस तरीके का म्यूजिक आप सुन रही हैं, किस तरीके की बुक्स आप पढ़ रही हैं, किस तरह की मूवीज आप देख रही हैं, वो सब आपके बच्चे को अफेक्ट करती हैं, डेफिनेटली करती हैं और इट इज वेरी मच साइंटिफिकली प्रूवन। और इन्हीं सब चीजों के साथ अपने न्यूट्रिशन का और अपने पोषण का भी आप ध्यान रखिए। अपने खाने पीने का अगर आप बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाती हैं तो आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा ग्रो करा सकती हैं, उसका वजन बढ़ सकता है और बहुत अच्छा उसका विकास हो सकता है। इसलिए सब चीजों के साथ आपका खाना पीना और न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ बातें थी कि जो जनरली डॉक्टर्स आपसे डिस्कस नहीं करते हैं, हमेशा प्रोफेशनली बात होती है कि आपको ये जांचें, इन्वेस्टिगेशन, सोनोग्राफी, टेस्ट और इसके अलावा चेकअप, बस इन्हीं चीजों पर डिस्कशन होता है। बट इस वीडियो में हमने आपसे कुछ अलग बात करने की कोशिश की, क्योंकि हमारी जो टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन और मेडिसिन के अलावा ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको लाभदायक मिला होगा, आपको उससे कुछ नई जानकारी मिली होगी।
फिर भी अगर आपको किसी तरीके की हमारी हेल्प की जरूरत है तो हम हमेशा जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, कभी भी आप हमसे मिल सकते हैं। और फिर हम नए वीडियोस में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते रहेंगे। यदि आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, जिससे कि हम आपसे पुनः कनेक्ट हो सके। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए विश यू हैव हेल्दी प्रेगनेंसी।